उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा की सैया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सैया पुलिस ने पार्वती नदी राजस्थान बॉर्डर के पास बनाई जा रही कच्ची शराब पर छापा मारा। मुखबिर की सूचना पर आगरा के थाना सैया पुलिस को देर रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद आगरा के थाना सैया क्षेत्र के पार्वती नदी राजस्थान बॉर्डर के पास कच्ची शराब बनाने की सूचना पुलिस को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई। तभी थाना सैया पुलिस ने मौके पर छापा मारकर वहां अंधेरे का फायदा उठाकर कच्ची शराब बनाने वाले व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कई लीटर कच्ची शराब बरामद किए। आपको बता दें कि खिरागढ़ क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने सैया पुलिस के साथ देर रात छापा मारा, जहां से 200 लीटर कच्ची शराब और 500 लीटर जहरीली लहन बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान पुलिस ने बरामद किया। वही जहरीली शराब बनाने वाली भट्टी के बर्तनों में रखी 500 लीटर लहन को पुलिस ने मौके पर ही देर रात नष्ट कर दिया है। लालदुखड़ा क्षेत्र में क्या घटना हुई सर? देखिए, ये थाना सैया में सामंतपुरा गांव क्षेत्र है। ये पार्वती नदी के किनारे राजस्थान बॉर्डर पे है। यहाँ मुखबिर की सूचना मिली थी जिस पर कि यहाँ पर कच्ची शराब बन रही है पार्वती नदी के किनारे पर। इस सूचना पे थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी और मेरे द्वारा तत्काल पुलिस की रेड दी गई और यहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में लगभग 200 लीटर कच्ची शराब मौके से हमने बरामद की। और 100 लीटर लगभग जो मटकों में थी वो रात के अंधेरे में उठाने में टूट गई, जो मौके पर नष्ट फैल गई और नष्ट हो गई। 100 लीटर कच्ची शराब हमने सुरक्षित बरामद की है। इसके अलावा लगभग 500 लीटर से अधिक लहान मौके पर नष्ट किया गया है और बड़ी मात्रा में यहाँ से सामान, भगोना और ड्रम और काफ़ी चीज़ें हमने बरामद की हैं। आसपास के क्षेत्र में हम दबिश हमारी तरफ से जारी है और जो लोग शराब बनाने वाले होंगे आसपास के झाड़ी में छिपे होंगे, तो लगातार दबिश की पुलिस की दबिश।